इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि कैसे आप बहुत ही आसान तरीके से अपने फेसबुक एड्स के लिए ग्राफिक्स बना सकते हो, इवन अपने लैंडिंग पेज के लिए ग्राफिक्स बना सकते हो, अपने वेबसाइट के लिए ग्राफिक्स बना सकते हो, इवन अगर आपको जीरो ग्राफिक्स की नॉलेज है। ठीक है जी, तो चलिए ये सब काम करने के लिए हम कौन सा टूल यूज करेंगे, तो हम टूल यूज करेंगे canva.com। ठीक है, आपको गूगल पे आना है और सर्च करना है canva.com। जैसे आप कैनवा पे आओगे आपको ये वेबसाइट खुलेगी और ये बहुत ही अच्छी वेबसाइट है ग्राफिक बनाने के लिए, एंड दैट टू कंप्लीटली फॉर फ्री। ठीक है, तो आपको करना क्या है, जैसे आप कैनवा पे आए आप यहाँ पे साइन अप कर सकते हो, तो एक ऑप्शन है यहाँ पे साइन अप विद गूगल, या आप साइन अप कर सकते हो फेसबुक के साथ। मैं साइन अप कर लेता हूँ गूगल के साथ। ठीक है, तो मैंने किया साइन अप विद गूगल और हम इस आईडी से लॉग इन कर लेते हैं। ओके जी, तो ये हो गया हमारा साइन अप। ठीक है, अब ये पूछ रहा है वेलकम टू कैनवा और पूछ रहा है कि अब क्या हो नहीं हो, तो आप यहाँ पे ले लो पर्सनल। देन ये कह रहा है स्टार्ट योर फर्स्ट डिजाइन, यहाँ पे कोई क्लोज का बटन है, सो हम क्या करते हैं, क्लोज का बटन नहीं दिया हुआ, बताओ। सो सिंपल एक काम करते हैं, हम ले लेते हैं सोशल मीडिया। ठीक है जी, हम यहाँ पे सिंपल क्लिक कर देते हैं सोशल मीडिया। ओके, अभी आ गया। अब सिंपल एक काम करो, यहां से चले जाओ होम पे। ओके, अब आ गया आपके पास कैनवा। अब कैनवा में क्या कर सकते हो, आप बहुत इजीली कैसे भी फेसबुक एड डिजाइन कर सकते हो। नॉट ओनली फेसबुक एड, आप किसी भी साइज का बैनर डिजाइन कर सकते हो। ठीक है, तो फेसबुक एड में एक एड साइज होता है 1200x628। ठीक है, 1200x628। तो सपोज करो आपको वो वाली एड बनानी है, तो आप क्या करोगे, बहुत ही सिंपल काम करोगे, आप सिंपल जाओगे क्रिएट अ डिजाइन। अब आप देखो यहाँ पे आपको बड़े सारे पहले से ऑप्शन भी दे रहा है कैनवा, जो आप यूज कर सकते हो। आप सिंपल काम करो, आप कर लो कस्टम डायमेंशन, है ना, और यहाँ पे लिख लो 1200x628 और ये कर दो क्रिएट डिजाइन। अब देखो ये साइज खुल गया। यहाँ पे कैनवा आपको कुछ चीजें क्या कर रहा है, रेकमेंड कर रहा है, कुछ डिजाइन रेकमेंड कर रहा है। तो आप क्या कर सकते हो, आप चाहो तो इसमें से कोई भी डिजाइन ले सकते हो और उसे अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो, या फिर आप चीजों को अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। ठीक है, आप यहां देखोगे तो दो तीन टाइप के डिजाइन होते हैं। एक होते हैं जिनके यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब कुछ होते हैं फ्री और कुछ होते हैं पेड। ठीक है, कुछ डिजाइन ऐसे होते हैं जिनके लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं, कुछ होते हैं जो फ्री होते हैं। तो जो फ्री होते हैं उस पे फ्री लिखा होता है और जो पेड होते हैं उस पे पेड होता है। देखो ये दिखा रहा है 1 of 25, मतलब अंदर 25 डॉक्यूमेंट्स हैं, 25 टाइप के पोस्ट हैं जो कि आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो आप या तो यहां से ले सकते हो या आप स्क्रैच से कोई भी चीज क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो हम अब एक काम करते हैं, हम स्क्रैच से कोई भी चीज क्रिएट करके देखते हैं। ठीक है, प्लस आप देख सकते हो यहाँ पे आ रहा है सर्च टेम्पलेट, है ना, तो आप यहाँ पे अगर सर्च मारोगे ना फेसबुक एड, सर्च मारो, आप देखो आपको आ रहे हैं किसके, फेसबुक एड के टेम्पलेट, और नीचे देखो लिखा फ्री फ्री फ्री। तो सपोज करो आपको ये टेम्पलेट अच्छा लगा, या सपोज करते हैं आपको ये टेम्पलेट अच्छा लगा, है ना, तो जस्ट इस पे क्लिक करो, देखो ये टेम्पलेट आ गया, आ गया यहाँ पे। अब आपको सिंपल क्या करना है, सपोज आपको टेक्स्ट एड करना है, चेंज करना है, तो टेक्स्ट पे क्लिक करो, जैसे टेक्स्ट पे क्लिक किया आप यहाँ पे आ गया, यहाँ पे फिर से क्लिक करो और यहाँ पे लिख दो, क्या लिख दोगे, सपोज करो मेरी बॉडी बिल्डिंग की कंपनी है ना, तो मैं लिख लेता हूं गेट श्रेडेड इन 60 डेज। ठीक है, और यहां पे भी चेंज करना है मुझे, तो सपोज यहां पे आता हूं, क्लिक हियर टू गेट फ्री ईबुक, स्पेलिंग सही कर देते हैं, हो गया जी। और ये ऑर्डर नाउ है, इसे भी चेंज कर दो, अगर इसे एकदम हटाना चाहते हो तो सिंपल यहां पे करो और इसको हटा दो, बन गया। अब आपको कलर अगर चेंज करना है, तो ये जो बैकग्राउंड का कलर है सपोज ये चेंज करना है, तो इस पर क्लिक करो, अब देखो ये कलर आ गया, और इस कलर को आप अपने हिसाब से चेंज कर लो। ठीक है, जो भी आप कलर रखना चाहते हो आप उसे अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। ठीक,
उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पब्लिश पे जाना है और इसे कर लेना है डाउनलोड एज अ पीएनजी, और आप इसे अपनी एड के लिए देन यहां से सिंपल यूज कर सकते हो। ठीक है, अब सपोज करो आपको कोई चीज स्क्रैच से बनानी है, इसको पूरा डिलीट कर देते हैं पहले, और ये जो है ये भी डिलीट कर देते हैं। आपको सपोज करो स्क्रैच से बनानी है तो सिंपल क्या करोगे, सबसे पहले आपका क्या करोगे, बैकग्राउंड कलर लोगे, है ना। तो ग्राफिक पे क्लिक करो, जो स्पेस है आपके पास इस पे मैंने क्लिक किया, और देख रहे हो आप यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है बैकग्राउंड कलर, इसे क्लिक करो और यहां से आप कोई भी कलर चूज कर सकते हो। ठीक है, या फिर एक काम करो, एक वेबसाइट है कलर हंट, ठीक है, आप कलर हंट पे जाओ और यहाँ पे आपको बड़े सारे कलर्स दिखेंगे, है ना, बड़े सारे कलर्स दिख रहे हैं। तो सपोज करो मेरे को ये कलर अच्छा लग रहा है, तो ये मैंने यहां से कॉपी किया और यहाँ पे मैंने किया पेस्ट, और ये आ गया मेरे पास बैकग्राउंड कलर। ठीक, अब सपोज करो आपको यहाँ पे कोई फोटो डालनी है, ठीक है, कोई फोटो डालनी है, सपोज क्योंकि ये बॉडी बिल्डिंग का सपोज किया था मैंने कि ब्रांड है, तो सपोज यहाँ पे मैं गया, यहाँ पे मैंने डाला बॉडी बिल्डर, ठीक है, तो बॉडी बिल्डर डालते हैं और इमेजेस, और एक काम करते हैं यहाँ क्लिक करते हैं और इस इमेज को करते हैं सेव, और डेस्कटॉप पे कर लेते हैं सेव, और वापस आते हैं कैनवा पे, और यहाँ देखो अपलोड का ऑप्शन है, ये देखो अपलोड पे क्लिक करो, अपलोड एन इमेज, और यहां से हम ले लेते हैं इमेज, ठीक है जी। अब इस इमेज को यहां लाना है तो इस इमेज पे कर दो क्लिक, ये इमेज आ गई है, ठीक, और यहां से खींच के इसको कर दो बड़ा, और यहां से इसको कर दो थोड़ा सा साइड, ठीक, परफेक्ट। अब हमें यहाँ पे टेक्स्ट लिखना है, तो देखो यहाँ पे टेक्स्ट का ऑप्शन है, ये देखो टेक्स्ट पे क्लिक किया, और कोई भी ऑप्शन ले लो इसमें से, सपोज ये ले लिया, ठीक। अब इसको उठा के थोड़ा यहां कर दो और यहां पे लिख दो, सपोज हमने लिखा गेट एस एच आर जी श्रेडेड इन जस्ट 60 days, ठीक। अब इसे सेलेक्ट करो और यहां से चेंज कर दो फॉन्ट, आपके पास बड़े सारे फॉन्ट के ऑप्शन है, तो आप इसमें से जो भी आपको अच्छा फॉन्ट लगता है आप वो वाला फॉन्ट यहां से कर सकते हो चूज, ठीक है। सपोज मैं कर लेता हूं ये वाला फॉन्ट, न्यूनीटो, ठीक है, ये ले लिया, और इसको हम कर देते हैं जस्ट को भी कर देते हैं नीचे, और ठीक है, और इसे कर देते हैं बड़ा, ठीक है जी, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, और अब यहाँ पे हमें चाहिए एक बटन, है ना, एक बटन चाहिए, तो आप एक सिंपल काम करो, एलिमेंट पे जाओ और शेप में देखो ये है, शेप्स में ये लो और इसको बटन की शेप दे दो, और इसका कलर चेंज कर दो, है ना, यहाँ कलर पे जाओ और इसका कलर चेंज कर दिया, है ना। अब हमें इस पे टेक्स्ट लिखना है, तो टेक्स्ट पे जाओ और ये टेक्स्ट लो और इस पे कर दो गेट फ्री ई बुक, ठीक। अब ये उठाया और यहाँ डाला और ये हमने ले लिया कैंसिल, कमेंट का ऑप्शन आ गया था, इसे करो कैंसिल। अब ये कर दिया हमने गेट फ्री ई बुक और ये बन गया जी। अब इसे कर लो पब्लिश और यहां से कर लो डाउनलोड, बिल्कुल आसान, और इसे कर दो क्लोज, ठीक है, ये डाउनलोड हो गया। अब आपको क्या काम करना है, अब आपको जाना है एक, आपको फेसबुक पे जाके सर्च करना है, गूगल पे जाके सॉरी, फेसबुक टेक्स्ट ओवरले, ठीक है, क्या सर्च करोगे, फेसबुक टेक्स्ट ओवरले, और इसे क्लिक करोगे, और ये अपलोड का ऑप्शन आएगा, इसे अपलोड करोगे और यहां से फोटो लेंगे हम जो अभी हमने बनाई थी। अब बेसिकली फेसबुक मेरे को ये बताएगा कि ये जो मैंने फोटो बनाई है इस पे जो टेक्स्ट है, देखो ये बता रहा है नॉर्मल,
है ना, ये कह रहा है टेक्स्ट है नॉर्मल, नॉर्मल का मतलब है मेरी एड इजीली चलेगी, मेरी एड को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपका जो टेक्स्ट है वो है लो या है मीडियम या है हाई, ठीक है, लो है मीडियम या हाई, तो आपके एड की जो रीच है वो फेसबुक थोड़ी कम कर देता है। ठीक, तो फेसबुक चाहता है कि आपके एड जो है, जो आपकी एड का ग्राफिक है उस पर 20% से ज्यादा टेक्स्ट ना हो। अगर 20% से ज्यादा टेक्स्ट होता है तो फेसबुक आपके एड की रीच कम कर देता है। और ये 20% चेक कैसे करोगे आप, तो जैसे मैंने किया, आप गूगल पे सर्च करोगे फेसबुक टेक्स्ट ओवरले टूल, और जो पहला लिंक आएगा उसे क्लिक करोगे और अपना ग्राफिक वहां अपलोड करोगे और आप वहां से चेक कर लोगे। ठीक, तो जैसे हमने ये ग्राफिक बनाया ऐसे ही आप और बना सकते हो। सपोज करो अब आप एक बनाना चाहते हो 1080x1080 साइज का, ठीक है, तो वापस आप कहां जाओ, होम पे, और देन क्रिएट अ डिजाइन, क्रिएट करो अगेन कस्टम डायमेंशन और लिखो 1080 और सॉरी 1080x1080 और इसे कर दो आप क्रिएट अ डिजाइन। ठीक है, साइज आ गया। अब देखो यहाँ पे फेसबुक अगेन आपको बड़ी सारी चीजें रेकमेंड कर रहा है, तो आप देखो यहाँ पे अगर कुछ अच्छा लग रहा होगा तो आप वो ले सकते हो, नहीं तो आप अपने हिसाब से बना सकते हो जैसे हमने अभी देखा। सॉरी फेसबुक रेकमेंड नहीं कर रहा, कैनवा रेकमेंड कर रहा है ना, तो यहाँ से देखो आपको क्या कुछ अच्छा लग रहा है, नहीं, उतना कुछ मजेदार नहीं है। ठीक है, तो हम एक काम करेंगे फिर अगेन हम स्क्रैच से बनाएंगे। स्क्रैच से कैसे बनाओगे, तो सबसे पहले दोगे बैकग्राउंड, तो क्लिक करोगे यहाँ पे आओगे और आपने बैकग्राउंड दिया। अब इसके ऊपर कोई भी इमेज अगर है आपके पास तो उस इमेज को आप अपलोड करोगे, यहां से आके उस इमेज को कर लोगे अपलोड। ठीक है, तो एक और इमेज लेते हैं, सपोज करो दोबारा वही करते हैं और कोई दूसरी इमेज ले लेते हैं, इन्हें ले लेते हैं कटलर साहब, सेव इमेजेस डेस्कटॉप जे कटलर। तो अब कटलर जी को यूज करके ग्राफिक बनाते हैं, अपलोड एन इमेज और डेस्कटॉप कटलर साहब एंड लेट्स मूव कटलर साहब हियर। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा अलग बनाएंगे इस बार। ठीक, अब हम लेते हैं यहां पे टेक्स्ट, इसी फोटो के ऊपर टेक्स्ट लिखते हैं, तो मैंने यहां पे लिया टेक्स्ट और एड अ सब हेडिंग और मैंने लिखा गेट Shredded in 60 days, ठीक, और यहां से इसको थोड़ा कर दो बड़ा। अब देखो नजर नहीं आ रहा ना फॉन्ट, और छोटा भी है, तो पहले तो क्लिक करो और इसका साइज कर दो वाइट। ठीक, साइज कर दो वाइट और फॉन्ट चेंज कर दो, फॉन्ट चेंज, और यहां ये हो गया। अभी भी देखो थोड़ा नजर नहीं आ रहा, तो अब क्या करोगे, फोटो पे करोगे क्लिक। ठीक, और यहां पे देखो ऑप्शन है ट्रांसपेरेंसी का, इस पे जाओ और इसको थोड़ा सा कर दो, मैं देखो बात नहीं बन रही ना, तो एक काम करो इसे क्लिक करो और यहां से कलर लो और इस पे डाल दो ब्लैक कलर। ठीक, अब यहां से ब्लैक कलर डाला और सॉरी ऐसे बात नहीं बनेगी, तो एक काम किया जा सकता है कटलर साहब की फोटो हटाओ और कहाँ गए हम, एक सेकेंड, और फिर से ट्राई करते हैं ट्रांसपेरेंसी। ओके समझ गए, अब देखो क्योंकि मैंने बैकग्राउंड में क्या लिया हुआ था येलो कलर है ना, तो इसीलिए ट्रांसपेरेंसी में वैसे आ रहा है, तो मैं बैकग्राउंड में ले लेता हूँ ब्लैक कलर। ठीक, और वापस बैकग्राउंड सॉरी वापस आता हूँ अपलोड पे और ये जे कटलर जी को उठाते हैं और इसको मैं इधर वापस लाता हूँ जे कटलर जी को। ठीक, अब वापस जाओ, अब जाओ ट्रांसपेरेंसी पे और अब यहां से करो ट्रांसपेरेंसी थोड़ी सी कम। ठीक, अब देखो नजर आ रहा है एकदम परफेक्ट, तो गेट शेडेड इन 60 डेज हो गया। और ऐसे ही सेम आप नीचे टेक्स्ट लिख सकते हो और इसको जाके फिर चेक कर लो। ठीक है, इनिशियली मैंने कम से कम 1 से 1.5 साल इसी के थ्रू अपने YouTube के थंबनेल, कम से कम मैंने 150 थंबनेल इसी के थ्रू बनाए। मैंने सारी अपनी एड्स के ग्राफिक में खुद जब बनाता था तो ऐसे ही बनाता था थ्रू कैनवा।
ठीक है। तो आपको कोई भी ग्राफिक डिजाइनर वगैरह हायर करने की जरूरत नहीं है, ना आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत है। आप सिंपल ऐसे कैनवा से आओ और ऐसे ही ग्राफिक बना लो, जैसे मैंने आपको दो बना के दिखाए, ऐसे ही आप बड़ी सारे बना सकते हो। प्लस आप इसको थोड़ा सा और एक्सप्लोर कर सकते हो, इसमें बड़े सारे ऑप्शन है, ठीक है। तो ये वीडियो देखने के बाद आपको काम क्या करना है, आपको बैनर बनाने हैं और वो बैनर बना के आप पोस्ट कहां करोगे, ग्रुप के अंदर, ठीक है। तो जो भी आपका बिजनेस है, आप अपने बिजनेस के लिए बैनर बनाओ थ्रू कैनवा और उस बैनर को फेसबुक ग्रुप में डालो और सबके साथ आप सबको बताओ कि भाई आपने बैनर बनाया, और जैसा भी आप बनाओ डू शेयर इट इन द फेसबुक ग्रुप, ठीक है जी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और जो अगली वीडियो होगी वो बहुत ही मजेदार होगी, उसमें मैं आपसे बात करूंगा कि कैसे आपको अपने ऑडियंस के पेन, डिजायर्स, प्रॉब्लम, उसको कैसे फाइंड आउट करना है और कैसे उसको यूज करके आपको एड लिखनी है, ये आप सीखोगे नेक्स्ट मॉड्यूल में, नेक्स्ट लेसन में, ठीक है जी। थैंक यू सो मच।